हेलो स्टूडेंट्स आज से हम अपनी राइटिंग स्किल्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है नोटिस राइटिंग नोटिस राइटिंग में हम पढ़ेंगे यहाँ पर व्हाट इज़ नोटिस नोटिस क्या होता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नोटिस इसका यूज़ क्या होता है इस फॉर्मेट ऑफ नोटिस ये किस प्रारूप पर लिखा जाता है कैसा इसका प्रारूप होता है नोटिस एग्जाम्पल्स कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सो नाओ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी वॉट इज नोटिस इट इज़ अ रिटर्न और प्रिंटेड अनाउंसमेंट ये एक लिखा हुआ या फिर प्रिंट किया गया कि अनाउंसमेंट होता है जो कि नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है यूज़ ऑफ़ नोटिस इसका यूज़ होता है जैसे इट इज़ यूज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन अपकमिंग इवेंट कोई अगर इवेंट आने वाला है उसकी जानकारी देने के लिए कॉम्पिटिशन के लिए किसी लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस कुछ भी सामान अगर कहीं खो जाता है या फिर किसी स्टूडेंट को या फिर किसी टीचर को कुछ सामान मिला है अगर स्कूल या कॉलेज प्रेमिसज में तो उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए नोटिस लगाया जाता है और जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी डिल डिलीवर टू द टारगेटेड ऑडियंस और या फिर कोई भी छोटी या कोई भी इंफॉर्मेशन है कोई भी जानकारी अगर हमें किसी तक पहुँचानी है बहुत ही ज़्यादा ऑडियंसेज तक तो वहाँ पर उनको ये जानकारी पहुँचाने के लिए नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाया जाता है सो नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ नोटिस फॉर्मेट ऑफ नोटिस में आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका आए सबसे पहले तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा नोटिस है वो बिल्कुल बॉक्स के अंदर होगा तो ऑन द टॉप ऑफ दैट यू विल राइट नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले हमें वहाँ पर लिखना पड़ेगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आप देख लेंगे जो भी स्कूल या फिर कॉलेज में आप पढ़ते हैं और या फिर किसी भी स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो उसके बाद आप लिख देंगे एन ओ टी आई सी ई -e, वहाँ पर आप नोटिस लिख देंगे एक बोल्ड बिल्कुल डार्क आप यहाँ पर नोटिस लिखेंगे नेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पर डेट लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे डेट जिस डेट को आप वो नोटिस दे रहे हैं उस डेट को वहाँ पर लिख देंगे देन आप लिखेंगे टॉपिक टॉपिक मतलब किस किस बारे में आप नोटिस वहाँ पे दे रहे हैं ठीक है किस बारे में आप जानकारी देना चाह रहे हैं लॉस्ट एंड फाउंड से रिलेटेड वो जानकारी है या फिर कोई कॉम्पिटिशन आने वाला है या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम या फिर ऐसा ऑर्गेनाइज होने वाला है आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में तो वो आप यहाँ पर मेन टॉपिक को लिख दोगे देन आपका कंटेंट्स आ जाता है कंटेंट्स में मेन प्रॉब्लम आती है कंटेंट में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लिख लेंगे नोटिस वहाँ पर आप लिख लेंगे डेट आप लोगों को पता होती है उस दिन की और टॉपिक भी आप वहाँ से जो मेन टॉपिक है उसको लिख लेंगे बट यहाँ पर आता है मेन प्रॉब्लम कंटेंट पे तो कंटेंट पर आप देखेंगे सबसे पहले तो आपने देखा है द टारगेट ग्रुप फॉर होम द नोटिस ठीक है जिस ग्रुप के लिए आप नोटिस देने जा रहे हैं सपोज यू आर गिविंग नोटिस फॉर स्टूडेंट्स आ मे बी यू आर गिविंग नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ओनली अ पर्टिकुलर क्लास सपोज आप नाइन्थ टू ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को आप नोटिस देने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप टारगेट ग्रुप का नाम स्टूडेंट्स का लिख लेंगे दैट स्टूडेंट्स ऑफ दिस टू दिस क्लास इज टू बी इंफॉर्म्ड ठीक है देन आप देखेंगे फॉर होम द नोटिस ये आपने बता दिया देन डेट डेट का मैंशन करेंगे किस तारीख को वो किस डेट को वो इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है देन टाइम किस टाइम पे होने वाला है पूरी आपने इंफॉर्मेशन देनी है कुछ भी उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी ऑडियंस है या फिर जो भी उसे रीड करने वाला है वो समझ ना पाए कि ये जो नोटिस दिया गया है इसकी जो मेन डेट है टाइम है कौन सा है कहाँ ये होने वाला है किस तारीख को होने वाला है और किस समय होने वाला है देन आप वेन्यू वेन्यू में आप लिख देंगे ठीक है या फिर स्कूल ऑडिटोरियम में होने वाला है या फिर किसी बड़े हॉल में होने वाला है देन ऑल इम्पोर्टेंट डिटेल्स फिर आप उसके बाद जो भी अन्य उसके डिटेल्स हैं वो आप दे देंगे सो दिस इज द बॉडी ऑफ द नोटिस देन यहाँ पर सिग्नेचर सिग्नेचर किया जाएगा नेम अपना नाम लिख देंगे और डेजिग्नेशन कि किस पद से आप इसको नोटिस को दे रहे हैं जैसे ज़्यादातर आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर हैड बॉय ओके नेक्स्ट आप देखेंगे नेम ऑफ द नोटिस उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं देखिए सपोज द प्रिंसिपल सनशाइन पब्लिक इस्कूल फरीदाबाद ये आपका स्कूल का नाम है यहाँ पर दिया गया है हैज़ इन्वाइटेड द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी इन द स्कूल ड्राफ्ट नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स टू असेंबल इन स्कूल ऑडिटोरियम यहाँ पे आपके पास एक नोटिस में एक एग्जाम्पल है जहाँ पर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपने एक नोटिस बनाना है एक नोटिस लिखना है जिसमें जो स्कूल प्रिंसिपल हैं सनशाइन पब्लिक स्कूल के उन्होंने इन्वाइट किया है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑफ जो ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर हैं उन्हें इनवाइट किया है लेक्चर देने के लिए रोड सेफ्टी पे रोड सेफ्टी पे उन्हें स्कूल में लेक्चर देना है ठीक है तो यहाँ पे आप uh, एक नोटिस में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चों को तो सबसे पहले यहाँ पे स्कूल का नेम डाल दिया है ठीक है सनशाइन पब्लिक स्कूल फरीदाबाद देन यहाँ पे लिख दिया है डार्क लेटर्स में नोटिस देन द डेट ऑफ वाली आपने डेट लिख दी जिसमें आपने उस नोटिस को लिखा है देन लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी यहाँ पे आप लिख देंगे लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी क्योंकि आपके पास मेन टॉपिक आपको क्वेश्चन से ही मिल जाता है तो वहाँ पे आप सिंपली लिख देंगे लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी देन आर स्कूल हैज़ इनवाइटेड मिस्टर राम कुमार द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी इन आर स्कूल ऑन टेन मई ट्वेंटी ट्वेंटी वन फ्रॉम टेन ए एम टू ट्वेल्व पी एम यहाँ पे डेट आपको दी गई है ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्ट टू असेंबल इन द स्कूल ऑडिटोरियम विद यर क्लास टीचर बिफोर नाइन फोर्टी फाइव यहाँ पे डेट भी क्लियर दे दी गई है देन प्रिंसिपल सनशाइन पब्लिक स्कूल ओके सो लाइक दिस नोटिस विल बी ड्राफ्टिड देन नेक्स्ट हम देखते हैं एक तरह का आपका ये भी नोटिस आता है सपोज यू हैव अ फाउंड जियोमेट्री बॉक्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड सपोज आपको स्कूल प्लेग्राउंड ग्राउंड में एक जियोमेट्री बॉक्स मिला है राइट अ नोटिस इनवाइटिंग इट्स ओनर टू गिव द नेसेसरी डिटेल्स एंड क्लेम इट बैक फ्रॉम यू यहाँ पे आपने नेसेसरी डिटेल्स देती देनी है ओनर को मतलब जिसका वो जियोमेट्री बॉक्स है उसके लिए इन्फॉर्मेशन नोटिस पे लगानी है जिससे वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कैन क्लेम इट बैक फ्रॉम यू वो आपसे ये चीज़ वापस ले सके ना लेट सी हाउ वी विल फ्रेम इट फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट स्कूल नेम सेम एज इट इज़ ये आप इजीली कर लेंगे नोटिस यहाँ पर आप डार्क बोर्ड लेटर्स में आप नोटिस लिखेंगे दैन डेट एंड देन टॉपिक लिखेंगे फाउंडे जियोमेट्री बॉक्स जो आपका टॉपिक है वो क्लियर कर देना चाहिए कि किस बारे में आप ये नोटिस किस बारे में फॉर्म हुआ है जो भी पढ़ने वाला है उसे टॉपिक देख के पता लग जाना चाहिए कि द बॉडी ऑफ द नोटिस में एक्चुअली हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हैव फाउंड अ रेड कलर्ड फेवर कास्टल जियोमेट्री बॉक्स इन द स्कूल प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग एट्थ पीरियड येस्ट ओनर में प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड एंड क्लेमिट बैक सो सिंपली इस ढंग से आप नोटिस को फॉर्म कर देंगे देन द नेम रोहन देन वी सी द अ प्रैक्टिस क्वेश्चन ओके नाउ दिस इज वेरी सिंपल टू फ्रेम अ नोटिस नाउ वी हैव सीन सम एग्जाम्पल्स नाउ आई एम गिविंग यू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन द ड्राफ्ट अ नोटिस इन फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट द डिबेट कॉम्पिटिशन टू बी हेल्प इन योर पॉलीटेक्निक तो आपने एक नोटिस इसमें ड्राफ्ट करना है जिसमें आप स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं एक डिबेट कॉम्पिटिशन जो कि आपके पॉलीटेक्निक कॉलेज में होने वाला है इससे रिलेटेड तो आप इससे रिलेटेड एक नोटिस अपने आप फॉर्म करेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसको प्रैक्टिस करेंगे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें बिल्कुल महारत हासिल कर पाएंगे ओके सो दिस कम्प्लीट्स योर टॉपिक थैंक यू